पापा, आप थोड़ी देर अंदर चले जाओ, कोई मुझसे मिलने आने वाला है। क्यों, मैं क्यों अंदर बैठ जाऊं भाई? मैं तेरे मिलने वाले को खा जाऊंगा क्या? मैं नहीं जाने वाला अंदर, समझा? अरे आ गई तुम? हाँ आ गई, और मैं कब से तुमसे मिलने का वेट कर रही थी। मैं भी यार, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा भूल गए, तुमने दिलवाए थे कपड़े मुझे। और वैसे और क्या क्या प्यारा लग रहा है तुम्हें? सब कुछ यहीं बता दूं या अंदर भी आओगी? अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ, कोई है थोड़ी ना जो मैं देख लेगा। अरे पापा बैठे हैं अंदर। क्या दीपांशु, अगर तुम्हारे पापा घर पे हैं तो तुमने मुझे क्या करने बुलाया यहाँ पर? हाँ प्लान तो यही था, लेकिन पापा कहीं जाने वाले थे, बट ट्रेन कैंसिल हो गई उनकी। तो दीपांशु तुम मुझे मना कर देते, क्या यहाँ तुमने मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? हम बाहर भी तो मिल सकते थे ना। सरक कैसी बात कर रही हो यार? दीपांशु मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, एक नंबर के बदतमीज लड़के हो। जब तुम्हें पता था कि मैं आज आने वाली हूँ, तुमने अपने पापा को कहीं भेजा क्यों नहीं? सरक ऐसे मत बोलो यार, पापा है वो मेरे। तो मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए दीपांशु? तुम सब कुछ हो दीपांशु। अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ होती ना, तो या तो तुम अपने बाप को कहीं भेज देते या मुझे कहीं बाहर ले जाते। सरा ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार मैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो तुम एक काम करो, अपने बाप को ही पाल लो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, अभी तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा इतने इम्पोर्टेंट है। कल को मैं शादी करके इस घर में आई तो ये सब लोग तो मेरे सर पे नाचेंगे, और मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती दीपांशु। तो क्या चाहती हो फिर तुम? मैं बस यही चाहती हूँ, आज के आज या तो अपने बाप को चूज करो या फिर मुझे। स्वरा क्या बोल रही हो यार ये तुम? सही तो बोल रही हूँ मैं, अब जल्दी बोलो, बाप या फिर मैं? ऑब्वियसली तुम ही हो, लेकिन एक बार अंदर चलो मेरे साथ। पापा ये आपकी गाड़ी की चाबी, ये आपकी बाइक की चाबी, और ये फोन जो आपने मुझे दिलाया था, और ये आपके सारे पैसे, और मैं इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये लड़की चाहिए। लेकिन बेटा। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो आपने आज तक मुझे दिया था ना, मैंने सब कुछ वापस कर दिया है, और अब मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। तू पक्का जा रहा है ना यहां से? अरे हाँ जा रहा हूं मैं। चले बेबी चले। कहां चलूं मैं तुम्हारे साथ? जो भी तुम्हारे पास था वो सब कुछ तो तुमने अपने बाप को दे दिया है, अब क्या करूंगी तुम्हारे साथ रहकर मैं? हाँ तुम बाहर जाके खुद तो भीख मांगोगे, साथ साथ मुझे भी मंगवाओगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, समझे? तुम्हें क्या लग रहा था मैं सच में इस घर को छोड़ के जाऊंगा? तुम्हें पता है तुम जैसी 100 लड़कियां भी आ जाए ना, तो भी मेरे पापा की बराबरी नहीं कर सकती। मेरे पापा के आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बढ़िया यही होगा कि तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दीपांशु क्या चल रहा है ये? अरे तूने तो मुझे आज रोका था बाहर जाने से, और तुझे पता था आज मेरा जरूरी काम भी है, क्या चल रहा है ये? पापा मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये माँ बाप को कुछ समझती ही नहीं थी, हमेशा बड़े बूढ़ों की कमियां निकालती थी। मुझे बस चेक करना था कि ये मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से, तो मैंने ये सब ड्रामा किया, और देखो ना वही गलत निकली। खैर ये सब छोड़िए ना पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे लिए मेरी लाइफ में आपसे बढ़कर ना तो कभी कोई था और ना ही कभी कोई हो सकता है, और जिसको जाना था वो तो चला गया ना।